अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे इंशाल्लाह। आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं विद द नेम ऑफ अल्लाह, और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग हमारे इस व्लॉग से इंजॉय होंगे, मतलब वेरी वेरी इंजॉयड आवर दिस व्लॉग। तो आज हम छोटी सी पार्टी का प्रोग्राम करने वाले हैं। एक दो कुक है हमारे पास, बहुत प्रोफेशनल देखते, पता नहीं है भी कि नहीं, लेकिन देखते प्रोफेशनल है। तो इंशाल्लाह वो सारी प्रोसेस हम लोग आप लोगों को दिखाएंगे कि हम क्या पकाने वाले हैं और किस तरह पकाने वाले हैं, वो भी दिखाएंगे, और थोड़ी बहुत गुफ्तगु भी उस दो प्रोफेशनल कुकर्स के साथ होगी कि क्या पकाने वाले हैं और क्या नहीं, किस तरह पकाएंगे, तो वो भी दिखाएंगे। लेट्स सी। तो ये सब्जी है, टमाटर वगैरह सब कुछ लाए। ये यहाँ पे गोश्त है जो के पानी में ऑलरेडी उबला हुआ है, वो भूल गया। ये घी है, प्याज है। प्याज अभी तक फायरिंग नहीं शुरू हुई है, मतलब जो आग जो है ना वो नहीं जला है। तो ये है प्रोफेशनल कुक, इसका नाम है मोहम्मद मुनीर खान। मुनीर खान, आप क्या कहना चाहेंगे अपने व्यूअर्स के सामने? इट्स ओके, आप बोल सकते हैं, कुछ कहना चाहेंगे? ठीक है, ये दूसरा है, ये भी प्रोफेशनल कुक है, कुछ कहना चाहेंगे? हाँ जी, उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह के सब दोस्त अच्छे होंगे। मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूँ कि ये जो हमारे भाई की चैनल है इसको सब्सक्राइब करो, आगे भी फॉरवर्ड करो, शेयर करो प्लीज, और हमारे वीडियो देखो। इंशाल्लाह हम आप लोगों को बनो चाहिए ना पश्तून लोगों की जो कुकिंग होते हैं वो सब कुछ सीखेंगे इंशाल्लाह इस वीडियो में। हमारे यहाँ बहुत सी चीज़ें पकाते पश्तून में, वो हर किस्म जगह में नहीं मिलती जो हम लोग पकाते। ये तो बस आम कढ़ाई है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ है कि वो भी आपको इंशाल्लाह हम शेयर करेंगे। बस सही है, अल्हम्दुलिल्लाह ये टमाटर डाल दिया, आप इसे मिक्स करेंगे इंशाल्लाह, ये हल हो जाएंगे तो फिर इसके बाद गुड़ डालेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह यहाँ पे हमने ऊपर थोड़ा बहुत ढक्कन रखा है, टमाटर को पिघलाने के। हाँ, टमाटर को पिघलाने के सुना के मोबाइल बाइक तक गिर गए। ये तकरीबन कितना होगा ये गोश्त? सर एक किलो। माशाल्लाह खुशबू तो बहुत अच्छी है, गिर ना जाए जो भी हो सब कुछ डाल दो, सारे के सारे पकने वाले वैसे भी। फ्रेंड ये जो गोश्त की पनीर रह गई नहीं, ये अब हम अभी डालते हैं सालन में, इसका जायका कुछ और होता है, बहुत ज्यादा अच्छी लगती है क्योंकि इसमें तो गोश्त का जायका है ना, वो सब कुछ इसमें रहते हैं। बिल्कुल, तो वो जायका इसी में डाला जाएगा। और दूसरी बात ये कि पानी की वैसे भी जरूरत होती है सालन में, सारी तो नहीं, सारी 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 नहीं, ज्यादा है। खैर कोई गल नहीं, ठीक है। ये दोस्त मुझे कह रहा है, चूंकि मैंने आप लोगों को बताया था कि वो प्रोफेशनल है, तो वो कहते हैं कि ऐसा 5 मिनट के लिए इसमें ऐसा ये इसे समसा जो है ना इसे ऐसे तरह घुमा के पीरोगे 5 मिनट के लिए, कहता है कि इससे टमाटर जो है ना वो हल हो जाएंगे और हमारी प्रॉब्लम भी हल हो जाएगी। माशाल्लाह दोस्तों, पानी मुकम्मल तौर पर खत्म हो गई है और अब जो घी है ना वो सामने आना शुरू हो गया है। इसके बाद इंशाल्लाह वो गोश्त जो है ना वो डालेंगे, फिर आप लोगों को पता होगा कि कैसा वो तरीका जो मैंने, हाँ वो तरीका जो बताया ना, वो छिलके जो आसानी के साथ उसने उतारे टमाटर के।
ये दूसरा दोस्त आ गया, पर मैंने इंट्रोडक्शन नहीं की उसकी। अगर वो खुद करना चाहे तो बेहतर होगा, अगर नहीं करना चाहे तो ठीक है। अभी अच्छा ठीक है, ठीक है। ये देखो हमने गोश्त डाला, मैं कभी कभार स्क्रेच हो जाता हूँ। गोश्त डाल गया, अभी इंशाल्लाह 5 मिनट लगेंगे फिर बस फिनिश। गोश्त भी है और अदरक और उसके बाद धनिया वो भी डाला। जो सामान पहले कटा हुआ था वो पहले ही अंदर डाल चुका है। वैसे मैं मेरे विलाग्स जो है ना वो फनी होंगे। ये मेरे दोस्त जो है ना हमेद, वो कहते हैं कि मैं जब भी आपके विलाग्स देखता हूँ तो मुझे हंसी आ रही है, होती है। उर्दू की माँ बहन कर दी यार। वे तेरे उर्दू की ऐसी की तैसी। मेरे पंजाबी आते है तो मैं उर्दू का की कर रहा। वाओ अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह गैस बंद किया और मुकम्मल तौर पर आप लोग देख सकते हैं पक चुका है। दोस्तों ये मेरा फ्रेंड है ना, वो कह रहा है कि मैं इसे 2 मिनट में गायब कर देता हूँ, मतलब उसने जादुई मवाद सीख लिया है। तो देखते हैं कि क्या होता है। देखा? ओ ये तो वाकई गायब हो, किधर गए यार? ये तो यही है यार ये।